डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल मैंने स्टार्ट किया था क्लास 8 का यूनिट फर्स्ट पार्ट सेकंड, से कंटिन्यू करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में कल डिस्कस किया था कि रैशनल नंबर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो पार्ट सेकंड है, आज हम पढ़ेंगे इसके आगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन। तो लेकिन यूनिट का टॉपिक का नाम क्या है? टुडेज टॉपिक इज, जो टॉपिक है यूनिट फर्स्ट है, इसमें क्या है? रैशनल नंबर, नंबर्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो वी आर डिस्कसिंग इन पार्ट सेकंड में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। तो पार्ट सेकंड हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर की है। हमने कंटिन्यू है पीछे से पार्ट फर्स्ट से, कंटिन्यू फ्रॉम पार्ट पार्ट फर्स्ट से कंटिन्यू। तो आज का पार्ट सेकंड है। तो पार्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसी की प्रॉपर्टीज में करेंगे कि क्या इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स is also commutative, that is कहने का मतलब a minus b is equal to b minus a। ये क्वेश्चन है मेरा आज का। क्या जो प्रॉपर्टीज हैं रैशनल नंबर की, जो सब्ट्रैक्शन है उसमें क्या कम्यूटेटिव है? तो इसके लिए ये क्वेश्चन है, तो हम आंसर इसका देते हैं नो। How, why and why not? क्यों और क्यों नहीं? क्यों है, क्यों नहीं है? तो मैंने कहा no. Let's prove this property by an example. चलो एक एग्जांपल देखिए, इसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है? लेट ए एंड बी बी एनी टू रैशनल नंबर्स सच दैट ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/5, ठीक है? देन a माइनस बी करो, a माइनस बी क्या 1/2 माइनस 1/5, तो क्या आया 2/5 था, 5 बन जा माइनस 2 बन जा। ये क्या होता है, क्रॉस इसको न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से, और सेकंड का न्यूमरेटर और फर्स्ट का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके साइन जो है माइनस को माइनस करेंगे और दोनों को डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 बन जा 5 माइनस 2 बन जा 2, 5 बन जा 10, 3/10। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं, नाउ बी वन सी 1/5 माइनस 1/2, फिर वैसे 5 × 2 1 × 2 माइनस 1 × 5 2 − 5/10 या −3/10। अब देखो इसमें क्या किया हमने, इसमें देखा तो +3/10 आया, इस साइड में देखा तो -3/10 है। लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओनली देन देयर इज अ कम्यूटेटिविटी, अदर नो कम्यूटेटिविटी टेक प्लेस। हेंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इसलिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट a minus b is not equal to b minus a, because at
3 by 10 is not equal to minus 3 by 10. Hence, subtraction is never commutative. ठीक है, सबट्रैक्शन कभी कम्यूटेटिव होगी नहीं. रैशनल नंबर है चाहे कोई भी नंबर सिस्टम है, उसमें सबट्रैक्शन कभी कम्यूटेटिव नहीं होगी. सबट्रैक्शन इज क्लोज, क्लोज है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है, क्योंकि वो रैशनल नंबर हो सकती है बट नॉट. ठीक है, क्लोज इन इंटीजर्स. नाउ सेकंड मेरा क्वेश्चन आ जाता है, क्या इज डिवीजन आल्सो कम्यूटेटिव? क्वेश्चन नेक्स्ट प्राइज होता है, इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर कम्यूटेटिव? व्हाई नॉट? व्हाई इसका भी हम सवाल को हल करने के बिना इसका आंसर देंगे. भाई डिवीजन जो है इज नॉट कम्यूटेटिव, नो. लेकिन व्हाई, हाउ? नो, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर इज नेवर कम्यूटेटिव. लेट अस प्रूव इट. Let's prove it by setting an example. Let A and B be any two rational numbers. Then A divided by B is equal to B divided by A. If A divided by B is equal to B divided by A, then it is commutative, otherwise no. Otherwise no. ठीक है, so if let A is equal to 1 by 2, B is equal to 2 by 3, then left hand side देखिए, A divided by B, 1 by 2 divided by 2 by 3 is equal to 1 by 2. आपको पता है जब डिवाइड करते हैं लेफ्ट साइड क्या होती है, रेसिप्रोकल बन जाती है इसका, ये उठ जाएगी 3 by 2, तो कितना गया 3/4. ठीक है, कितना बन गया 3/4. नो राइट हैंड साइड, राइट साइड में क्या है, b डिवाइड बाय a मीन 2 बाय 3 डिवाइड बाय 1 बाय 2, क्या है 2 बाय 3 इंटू 2 बाय 1, ये क्या है 4 बाय 3. फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी सी दैट a डिवाइड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइड बाय a, दैट इज एज 3 by 4 is not equal to 4 by 3. Hence, division of rational number is not commutative. Similarly, we will discuss about the associative property of subtraction and division. इस तरह हम लिखते हैं, if division of rational number या subtraction rational number associative,
पहले हम उसको डिस्कस एक एक टॉपिक करके एक एक पार्ट करके सबको हम डिस्कस करेंगे। जैसे डिस्कशन के बाद जो आएगा उसको हम शुरू शुरू में निकालते जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या जो सब्ट्रैक्शन है रैशनल नंबर की, क्या वो एसोसिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट फोर्थ में क्वेश्चन है, नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एसोसिएटिव व्हाई नॉट क्यों है और व्हाई नॉट क्यों नहीं है, है या नहीं है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसे लिखे नो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नेवर एसोसिएटिव, नहीं है। लेट्स प्रूव दिस बाय साइटिंग एग्जांपल। चलो एक एग्जांपल दे इसको हम प्रूव करते हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। लेट ए बी एंड सी बी एंड ई थ्री रैशनल नंबर्स, देन if a minus b minus c is equal to a minus b minus c then it is associative, otherwise not, otherwise no, ठीक है। अगर ये रेफरेंस और एंगल के बराबर है तो एसोसिएटिव है, तो नहीं तो ये एसोसिएटिव नहीं है। तो इसमें क्या है, देखते पहले प्रूव करेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है, तो उससे हम सॉल्व करेंगे। लेट सपोज के ए इज इक्वल टू 1/2, बी इज इक्वल टू 1/3, सी इज इक्वल टू 1/4 टेकिंग राइट हैंड साइड। पहले राइट हैंड साइड ले लेंगे, इसको आप प्रूव करेंगे ए माइनस बी माइनस सी। तो ए कितना है 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू, ये कहां जाएगा, एक इधर करें दूसरा उधर करें, पहले 2 × 2 = 6, 3 × 3 − 2 माइनस 1/4 कितना आएगा 1/6 माइनस 1/4, 6 × 4 = 24, 4 × 4 − 6 कितना −2/24, 2 × 2 = 24, सो −1/12। लेफ्ट हैंड साइड क्या है -1/12 फर्स्ट, नो टेकिंग राइट हैंड साइड वो क्या है ए माइनस थ्री माइनस सी 1/2 माइनस 1/3 माइनस 1/4 1/2 माइनस 4 × 4 3 × 3 4 × 12 1/2 माइनus 1/12 तो कितना है 12 × 24 12 × 12 = 2 कितना है 10 × 1 = 24 तो ये क्या बना 5 × 5 = 10 और 12 × 5 = 12 Here यहाँ पे क्या देखेंगे ये सेकंड है ना तो यहाँ पे here from first and second देखो इन दोनों से फर्स्ट और सेकंड से क्या है कि माइनस 1/12 इज नॉट इक्वल टू 5/12 ठीक है। हेंस ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी,
सो सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट कम्यूटेटिव सॉरी एसोसिएटिव. तो इस तरह से आपको प्रॉपर्टी जो है प्रॉपर्टी देखना है किस तरह से उसको नंबर सिस्टम को लाइन में ला के हाउ टू मैनेज दिस, किस तरह मैनेज करना है, कैसे उस सॉल्व करना है, कहाँ स्टेप बाय स्टेप. ये नहीं है कि एकदम आमतौर पर बच्चे देखता हूँ मैं वो मोस्टली जब मैं क्लास देता हूँ बच्चे क्या थोड़ा सा सोचते क्या कि छोड़ो छोड़ो यार शॉर्टकट पे कर लो, है ना, तो वो डिटेल में नहीं जाना चाहते, वो सोचते आगे आ जाता है. देखिए प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट. Unless and until you will try, practice, उसकी तय तक नहीं जाओगे तुम्हें आता है या नहीं आता वो मैटर नहीं करता, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी. जब एक बार मिस्टेक हो जाएगी उस मिस्टेक को सुधारने के लिए आपको टाइम लगेगा, ठीक है. जब कोई भी गलती एक बार हो जाती है उस गलती को उस चीज को वहां पे मैं नहीं कह सकता, गलती तो होगी. तो कहते हैं ना टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, वंस इज लास्ट लास्ट फॉर एवर, ठीक है. जो चीज जिंदगी में एक बार खत्म चली जाती है वो सदा के लिए चली जाती है. इसलिए बच्चे को पढ़ने वाले को जो भी पढ़ाने वाला है पढ़ने वाला है उसको बहुत ज्यादा एक्यूरेट रहना है, एक्टिव रहना है. उसको ये देखना है कि मेरे से कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही या मैं कहीं गलती तो नहीं कर रहा, और अपनी गलती को सुधारना ही उसका नियम है. उससे उसको पता चलेगा मेरे में कहीं गलती तो नहीं है. ये पहले ये जो बात मैं बता रहा हूँ इसमें वजन है. बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करना है तभी उसको पता चलेगा राइट हैंड साइड और लेफ्ट साइड में क्या है. तो कई बुक्स में लिखा है टीचर्स ने एक इधर कर दिया दूसरा इधर कर दिया तो उसे सॉल्यूशन तो निकल गया लेकिन सीखा क्या है. आपको सीखना है ना, सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है. अब इसकी नेक्स्ट देखते हैं द रीजन. अब हम नेक्स्ट करेंगे डिवीजन. इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर एसोसिएटिव. व्हाई एंड व्हाई नॉट, अगर एसोसिएटिव है तो क्यों है उसमें लेफ्ट साइड राइट साइड प्रॉब्लम होती है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि डिवीजन में उसको करके देखेंगे अगर वो लेफ्ट साइड राइट साइड तो प्रॉब्लम नहीं आती तो शिफ्ट नहीं है. तो इसका आंसर मैं नो से स्टार्ट करूंगा. नो, डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नेवर एसोसिएटिव. ये कभी एसोसिएटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है, इज नेवर एसोसिएटिव. अब क्यों नहीं है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं. Let's prove that is A divided by B divided by C is equal to A divided by B divided by C for any three rational numbers. So let A is equal to 1 by 2, B is equal to 3 by 4, C is equal to 5 by 7. कुछ भी ले रहे numbers, इसमें कोई matter नहीं करता. तो पहले हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड.
यार ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, तो क्या आएगा, ए कितना 1/2 डिवाइड बाय 3/4 डिवाइड बाय 5/7 या 1/2। जब डिवाइड में मैंने क्या बताया, ये जो लेफ्ट साइड होती है ये डिवाइड होती है, तो इसका क्या होता है, ये ऊपर चलता है वो नीचे आएगा, ठीक है। मैं डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, न्यूमरेटर क्या डिनोमिनेटर बन जाता है, जिसे क्या होता है इनवर्स, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल है। 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 डिवाइड बाय 5/7। अब आपने ये भी देखो, पहले हम बर्ड मास ब्रैकेट को हल करेंगे, बाद में उसे हल करेंगे, तो 2 बन जाए 2, 2 जाए 4, तो कितना आ गया 2/3 डिवाइड बाय 5/7, ये क्या बनेगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5, क्या बनेगा 7 × 2 = 14 और 5 × 3 ये आपके पास आगे लेफ्ट हैंड साइड नंबर 1। अब इसकी राइट हैंड साइड ले लो, ये क्या है ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी, ए कितना 1/2 डिवाइड बाय क्या है 3/4 डिवाइड बाय 5/7, तो क्या बना 1/2 डिवाइड बाय 3/4 उल्ट गया 7/5, तो कितना है 1/2 डिवाइड बाय 7 × 21/5 = 20, तो क्या है 1/2, ये भी उल्ट जाएगी 20/21, क्यों पहले ब्रैकेट हल करेंगे फिर चलेंगे, 2 × 2 = 2, 5 × 2 = 20, 10/21 सेकंड। तो देखो ये कितना है 14/15 और ये कितना है 10/21, अब इसमें क्या है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड के बराबर नहीं है, दस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी सी दैट कि ए डिवाइड बाय बी डिवाइड बाय सी इज नॉट इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी बाय डिवाइड बाय सी एज 7/14/15 इज नॉट इक्वल टू 10/21, तो क्या हुआ 14/15 ये बराबर नहीं है 10/21 के बराबर, जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है ही नहीं, सो इट इज नेवर कॉम्पिटेटिव एश्योरिटी, हेंस द रीजन ऑफ rational numbers is not associative, ठीक है, division जो है rational number की वो associative नहीं है। तो मेरा ये कहने का मतलब था कि हमने properties discuss की हैं कल 4, आज हमने उन्हीं के ऊपर दो ही की हैं, एक commutative property की है और दूसरी मैंने associative property की है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्यूटेटिव और डिवीजन कम्यूटेटिव, डिवीजन कम्यूटेटिव की, इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने डिस्कस किया है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज एसोसिएटिव, नो हमने डिस्कस किया क्या डिवीजन ऑफ एसोसिएटिव, डिवीजन ऑफ रैशनल इज एसोसिएटिव, नो। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि ये आपकी जो 8th क्लास की जो बुक है उसमें ये सारी डिस्कस नहीं की गई, जो सरकार गवर्नमेंट स्कूल की किताब है सीबीएसई की नहीं है, स्टेट बोर्ड की है, उसमें ऐसी सब प्रॉपर्टी डिस्कस की गई है, लेकिन सीबीएसई की जो बुक है उसमें उन्होंने इतना लेबोरेट नहीं दिया, सिर्फ 2 एक्सरसाइज दी है, वो सिंपल वे से उसी को कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट मेरी प्रॉपर्टी है क्या, जो आइडेंटिटी एलिमेंट, एडिशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट है, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। अगर आप एडिटिव एलिमेंट देते हो तो उसमें क्या होगा, इफ ए रैशनल नंबर में कोई एडिटिव एलिमेंट ऐड करते हो तो वो क्या रहेगा, वो तो सेम ही रहेगा ना है, तो एडिटिव एलिमेंट में क्या है नंबर सेम रहता है, जितना है उतने का उतना रहता है। तो मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट में भी क्या होता है, उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जितना है उतने का उतना रहता है, लेकिन एडिटिव इनवर्स जो है वो एक अलग, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो अलग है। तो ये जो 4 प्रॉपर्टीज और हैं आगे, फिर उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ
रेशियो नंबर भी है, हमें एक और डिस्कस करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो दिस इज द वन मोर टॉपिक, ठीक है। तो हमने आज जितना डिस्कस किया है इसी टॉपिक को यहीं पे रख लेते हैं, क्योंकि कल और स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, छोटा बनाएंगे वीडियो, आपको भी इजी टू अंडरस्टैंड होगा, वो पार्ट थर्ड में कल मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। आज ये मेरा पार्ट सेकंड है, तो कल उस पार्ट से फर्स्ट में हम उसको भी थर्ड में डिस्कस कर लेंगे, जो दो प्रॉपर्टी तीन रह गई है। और तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। तो मतलब ये है कि इतना ही सफिशिएंट है, जितना हमने डिस्कस किया इसमें हम आज का टॉपिक यहीं पे डिस्कस रखेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए क्लास मैंने लेना बंद की थी, अब मैंने दोबारा शुरू कर दी है, डेली आपको एक वीडियो मिलेगा मेरा। अभी मैंने 8th का स्टार्ट किया है और इसके बाद 6th का मिलेगा, 7th का मिलेगा, डेली का एक वीडियो यहीं पे बनाया जाएगा, ठीक है। डेली हर क्लास का कुछ ना कुछ डिस्कस होगा, तो वन वीडियो वन एट ए टाइम है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल माय लिसनर्स, ऑल माय वॉचर्स जो हु आर वॉचिंग मी ऑन माय वीडियोस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। इफ इट इज अप टू योर लेवल, शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब इट। इफ it is not so, then you can also comment me. If we need some addition or some you can say some modification whatsoever by teaching that is not appropriate, if there is some mistake, you may comment on me. I will never hesitate to apologize for any mistake, right? So thank you, have a nice day, goodbye, milenge kal isi waqt, okay।